अमेरिका के राजा के आगमन पर झूम रहा है पूरा न्यू जर्सी। सात समंदर पार सजा है बप्पा का दरबार। श्रद्धा और आस्था के साथ न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में उत्सव का माहौल है। तो एक कॉज है और एक पैशन है, तो उस हिसाब से मैं 4-5 साल से जल्लोश में हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई डोंट फील लाइक आई एम अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये इंडिया जैसा ही माहौल है एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बप्पा की मूर्ति एंड हम लोग बजा रहे हैं, लोग भी इतना एक्साइटेड रहते, तो वी ऑलवेज लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गणेश फेस्टिवल। भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय उत्पादों को दिखाने का ये भी खास मौका है। तरह तरह की घरेलू जरूरत, सजावट के सामान, खिलौने और खाने के स्टॉल सजे हैं। श्रद्धालुओं की चहल पहल है। मौका मिलते ही लोग गणेश मंडप से यहाँ लगे स्टॉल्स पर पहुँच जाते हैं। मेरा नाम है जैन शबीर, आई एम एट यहाँ पे, मैं गणेश उत्सव में हूँ। हमारे जो इवेंट है न्यू जर्सी में एडिसन में, ये सबसे बड़ा इवेंट है पूरा US में। यहाँ पे बेसिकली हर अलग डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे हैं, जो पूरा अलग अलग हिंदुस्तान के एरियाज दिखाते हैं, कवर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, वो जो यहाँ पे मिलते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिस पुराने माइंड किया थे, जो कभी बचपन में खाते थे लोग, तो उनके ये ध्यान में आते, कह रहे ये तो यहाँ पे मिलता है, हमने जब हम 5 साल के थे हम जब ही खाते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या थोड़े ब्रांड्स हैं आपको। तो पहले शुरू करते हैं कि देखो, अपना जो हिंदुस्तान है, खाली हिंदुस्तान से नहीं आता है, ये एक कंपनी है, नाम है कैरोसिन नाम की है। कैरोसिन है ये कंपनी, बनती है न्यू जर्सी में ही बनती है, लेकिन इनका पूरा दिल हिंदुस्तान है, पूरा दिल है इनका। और इनका फ्लेवर जो भी है, इन लोग थोड़ा अमेरिकन करते हैं, थोड़ा अपना इंडियन भी बनाते हैं। पर इनकी पूरी नट कंपनी है, उनने बोला कि देखो लेके आओ, इनका पहली दफा है गणेश में, गणेश उत्सव में पहली दफा है इनके दाखिल करा है। देन लोग आए थे, अच्छे दिखे भी थे, उन लोग के नहीं, इन लोग को क्राउडेड पसंद है, इन लोग कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे, तो इन लोग बहुत खुश हुए यहाँ पे। फिर ये है जो सबको अपन सब खाते थे, पान खाते। यहाँ पे ये एक कंपनी है, नाम है मस्त। तो उनके पास अलग अलग फ्लेवर्स है, पान के फ्लेवर्स है, जो भी खाते हैं पान में पान मजा आता है। अलग अलग फ्लेवर्स है, अलग अलग मीठे हैं, पंजाबी मिक्स है, अलग अलग मिक्सेस है, मुंबईया मिक्स है, तो और सब अलग अलग पान के फ्लेवर है, सबको पसंद आता है ट्राई करने का। सौंफ का फ्लेवर्स है एज वेल, कैसा लगता है ट्राई करें आप प्लीज, कैसा याद आता है? गुड। फिर यहाँ पे हम आते हैं पैराशूट, अपना सब चीज में यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल तो अपना ही है, कितने टाइम से खाते हैं कोकोनट ऑयल। पैराशूट एक सबसे बहुत मशहूर कंपनी है इंडिया में, उनके ओनली सब करते हैं कोकोनट ऑयल में। न्यू जर्सी के इस इलाके को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ खाने पीने का इतना ध्यान रखा जाता है कि भारतीयों को देश की याद उतनी ना सताए। कैसा लग रहा है? So many options here. So it's great to see all the different products. Does it give you some feeling of back home? Well, I grew up here, so it's great to see this because I didn't grow up with any of this back in the 80s. So now it's great to see this kind of event, all the different food and variety. It's great. हालांकि अमेरिका में पले बड़े जो भारतीय अमेरिकन हैं, उनके टेस्ट का भी ख्याल रखा गया है। टेस्ट में ये थोड़े अमेरिकन हैं, कम मसाले वाला खाना पसंद करते हैं, उसका ख्याल भी यहाँ रखा गया है। भारत से खास तौर से इस मौके पर आए व्यापारियों के लिए भी ये एक इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने का खास मौका है। इन लोगों ने यहाँ ज्वेलरी के स्टॉल लगाए हैं, तरह तरह की खूबसूरत ज्वेलरी, ग्राहक इनके आकर्षण से खींचे आ रहे हैं। यहाँ खास भारतीय स्वाद के मुताबिक चावल की अलग अलग किस्में भी लाई गई हैं। अभी भारत से गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक है, इसलिए न्यू जर्सी में बासमती के खास ब्रांड यहाँ उपलब्ध हैं, जो अमेरिकी टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ स्मोक्ड बासमती राइस उपलब्ध है, जिसे कश्मीरी लकड़ी को जलाकर स्मोकी टेस्ट दिया गया है।
हमारा रेगुलर बासमती राइस तो वैसे ही पूरे यूएसए में पॉपुलर है किचन किंग ब्रांड के नाम से, और अब हमने नई वैरायटी ऑर्गेनिक बासमती राइस निकाली है, और जो हमारा खास स्मोक बासमती राइस पूरे यूएसए में धूम मचा रहा है, इसको हमने स्मोक किया है स्पेशल विलो वुड से, और जो इसका स्मोकी अरोमा है यू नो सारे बारबेक्यू स्टेक हाउसेस और जितने भी इंटरनेशनल शेफ्स हैं उनको लुभा रहा है और डिमांड जनरेट हो रही है। खिलौने के स्टॉल्स इतने आकर्षक हैं कि जो भी बच्चे यहाँ आ रहे बस सब कुछ ले जाने के लिए मचल रहे हैं। प्यारे से गणपति के अलावा यहाँ नन्हे किशन कन्हैया हैं, हनुमान और गणपति हैं, सरस्वती माता हैं, और इनके साथ भगवान से जुड़ी कहानियों की किताबें भी हैं। यानी खेल खेल में बच्चों को संस्कार और भक्ति की ओर ले जाने का बेमिसाल तरीका। So we've been following along for a long time through a mutual friend, and this was a gift when my son was born in 2019 as a gift. And since then we've collected the Hanuman. And since then we've collected, we have this one, we have the Hanuman, and we have the Saraswati so far. That's our collection. And the boys love it. Yeah. I think we actually broke some of the things inside because they play it so much. We just really want to make sure that, you know, parents have access to the types of tools and resources in a way that makes it fun and interesting for kids, because, you know, play is a universal language. If you think about it, faith may or may not be, but play is. And we thought that we could take something as ancient and sacred as faith and put into something as fun and modern as play, then we're really in it. It's an opportunity for us to bring together the best of both worlds. हमें बताया जाता है कि इस साल ये खिलौने मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पास भी पहुंचे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें उनकी बेटी मालती इसी गणपति खिलौने के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं। न्यू जर्सी से मधु भाटिया झा के साथ आज तक ब्यूरो। आपके परिवार का सदस्य आज